morning. This is Mamta Verma, and we were continuously reading the author of the Augustine says. So last class में हमने जो author है जिसको complete किया था that was the Jonathan Swift. Next जो हमारे author है he belongs to the Augustine says that is Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith है इनका time period है 1728 to 1774. ये एक एंग्लो आयरिश राइटर है ऑथर है राइटर है. सो इनका जो वर्क है ओलिवर गोल्डस्मिथ है इनका मैक्सिमम सभी वर्क है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए तो वन बाय वन करते हैं ठीक है. ओलिवर गोल्डस्मिथ की बायोग्राफी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब जस्ट रिमेम्बर द टाइम पीरियड ओनली दैट्स इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके जो फर्स्ट फिक्शन इसका नॉवल है दैट इज द विकार ऑफ वेकफील्ड. विकार ऑफ वेकफील्ड. ओके सो विकार ऑफ वेकफील्ड है ये जो नॉवल है जिसका सब टाइटल है ए टेल सपोज टू बी रिटन बाय himself. ओके ये इसका सब टाइटल है. सो ये एक फिक्शन है नॉवल है जो 1766 में क्या हुआ था पब्लिश हुआ था ठीक है. सो ये इसकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है सब टाइटल इंपॉर्टेंट है ठीक है. अब इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं फर्स्ट है डॉक्टर प्रिमरोज. ओके He is the vicar of Wakefield. मतलब main narrator है vicar और narrator of this story. ठीक है. And George है वो इसका son है. And Arbella is the wife of George. George की wife है Arbella. ठीक है. नाउ ओलिविया इज द eldest daughter ऑफ प्रिमरोज. ठीक है. एंड सोफिया इज द youngest daughter ऑफ प्रिमरोज. ठीक है. सो डॉक्टर प्रिमरोज है उसका एक शन है जिसका नाम जॉर्ज है उसकी वाइफ है आर्बेला. नाउ ओलिविया एंड सोफिया दो डॉटर है इनकी. जो ओलिविया है वो यंगेस्ट डॉटर और सोफिया यंगेस्ट है. ठीक है. स्क्वायर थोर्नहिल ही इज द लैंड लॉर्ड या लैंड का जो ओनर है वेल्दी पर्सन जिसके साथ सोफिया है ओलिविया है वो शादी करती है. ठीक है. एंड विलियम थोर्नहिल ही इज द अंकल ऑफ स्क्वायर थोर्नहिल का अंकल है. ये भी एक वेल्दी पर्सन है जो रियल में क्या होता है मिस्टर बर्चिल. ओके सो ये सभी कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर थे इस नॉवल के. ठीक है. सो यहाँ स्क्वायर थोर्नहिल है ये एक पैरिश में एक लैंडलॉर्ड है वेल्दी लैंडलॉर्ड लैंड का ओनर है. और विलियम थोर्नहिल है वो रियल में मतलब मिस्टर बर्चिल है और रियल में ये विलियम थोर्नहिल होता है. बट मिस्टर बर्चिल है वो रियल में इस नॉवल में एक लोअर मिडिल क्लास मैन की तरह बिहेव करता है जिसके साथ सोफिया है जिससे लव करती है मतलब दे बोथ लव टू ईच अदर. ठीक है. नाउ स्टोरी कहाँ से शुरू होती है फिक्शन में मतलब ये फिक्शन जो नॉवल है इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है. तो स्टोरी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए क्योंकि ये जो नॉवल है बहुत फेमस था जब ये पब्लिश हुआ और एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है.
सो स्टोरी स्टार्ट होती है एट द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस नोवेल. मिस्टर प्रिमरोज है, ही इज यू नो प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग ऑफ जॉर्ज एंड आरबेला. इसका जो सन है जॉर्ज और उसकी वाइफ है जो आरबेला, दे बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिज. बट व्हेन फादर ऑफ आरबेला केम्स टू नो दैट मिस्टर प्राइमरोज है, ही बिकेम्स बैंकरप्ट. मतलब वो कंगाल हो गया है, उसने जितना भी इन्वेस्ट किया था वो सब कंगाल हो गया है, उसका बिजनेस है वो रुइंड हो गया है. देन ही कैंसल द मैरिज. वो क्या करते हैं बाद में, उसको पता चलता है कि डॉक्टर प्राइमरोज है वो बिल्कुल कंगाल हो गया है, उसके पास बिल्कुल भी वेल्थ नहीं है. तो वो क्या करता है, वो शादी को कैंसिल कर देता है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट दे मूव टू पैरिस. डॉक्टर प्राइमरोज है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पैरिस चला जाता है. एंड देयर ही वर्क्स ऑन द लैंड ऑफ स्क्वायर थोर्न हिल. ये जो लैंडलॉर्ड होता है उस लैंड का, स्क्वायर थोर्न हिल की लैंड है, उसके अंडर ये सभी पूरी फैमिली है वो काम करती है, ठीक है. नाउ स्क्वायर थोर्न हिल है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, ही वाज वेरी स्मार्ट पर्सन, उसकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव है. तो वेन ओलिविया जो यंगेस्ट डॉटर है, ही सीज द फर्स्ट टाइम टू स्क्वायर थोर्न हिल, She was very impressed and she immediately falls in love with him. ठीक है, तो immediately उसको like करने लग जाती है, उसको love करती है. But Squire Thornhill है ये एक womanizer person होता है, flirting होता है, मतलब उससे प्यार करना, फिर थोड़े दिन बाद उससे प्यार करना, just like of this person. तो वो क्या करता है, ही ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ सोफिया, सॉरी ओलिविया, एंड दे बोथ यू नो लव टू ईच अदर. तो सोफिया, यहाँ दूसरी तरफ सोफिया है, ही इज ड्रोन इन टू द वॉटर एंड मिस्टर बर्चिल है, ही सेव्ड हर. मिस्टर बर्चिल उसको डूबने से बचाता है. एंड देन सोफिया है, सी ऑल्सो स्टार्ट टू लाइक मिस्टर बर्चिल. मिस्टर बर्चिल को स्टार्ट कर देती है लाइक करना एंड स्लोली सी फॉल्स इन लव विद हिम, ठीक है. सो मिस्टर बर्चिल है, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ठीक है. सो लेकिन इसकी मदर है सोफिया की, वो मिस्टर बर्चिल को पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस, क्योंकि वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है इस फिक्शन में वो. बट रियल में उसका स्टेटस ये नहीं है, वो रियल में अपनी जो रियलिटी है वो छिपाता है, ठीक है. तो ये दोनों प्यार करते हैं ना. जो ओलिविया है, ही एस्केप्स विद स्क्वायर थोर्न हिल, वो स्क्वायर थोर्न हिल के साथ भाग जाती है. एंड स्क्वायर थोर्न हिल है वो उसके साथ कुछ नाइट स्पेंड करता है एंड देन ही लिव्स हर, और वो उसको छोड़ देता है. तो डॉक्टर प्राइमरोज है, ही गोज टू सर्च अबाउट हिज डॉटर, उसकी डॉटर को सर्च करने के लिए जाता है एंड ही टेक हर बैक, और उसको अकेले पाकर वहां उसको वापस लाता है. एंड जब वो दोनों वापस आते हैं तो दे फाइंड दैट देयर हाउस इज बर्न्ड, उनका घर है वो जल गया है विद ऑल बिलोंगिंग्स, जितना भी सामान और पैसा था उसके साथ, ठीक है. नाउ स्क्वायर थोर्न हिल है, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, ही इज वेरी करप्ट पर्सन, वोमेनाइजर, ही एंजॉयज हिज लाइफ इज ऑन यू नो वे, ओके. सो ऑलवेज सेंसियस पर्सन, ही एंजॉय करता है बट ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं है वो. ही स्टार्ट टू मेक द फोर्स फॉर द रेंट. तो डॉक्टर प्राइमरोज है, ही इज ऑल्सो लिविंग एट द हाउस ऑफ यू नो स्क्वायर थोर्न हिल का जो घर था एक्स्ट्रा, वहां वो रेंट पे रह रहे थे, ठीक है. तो अब वो उनका घर जल जाता है तो स्क्वायर थोर्न है वो उसको फोर्स करता है कि उनके जो रेंट के पैसे हैं वो दे वो, ठीक है. तो उसका सन जॉर्ज है, और जब वो पैसे देने से इनकार कर देते हैं कि अभी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, डॉक्टर प्राइमरोज है वो रिफ्यूज कर देता है दैट ही इज नॉट एबल टू गिव द रेंट. देन क्या करता है स्क्वायर थोर्न हिल, ही पुट हिम इन टू जेल. वो डॉक्टर प्राइमरोज को जेल में डाल देता है. तो उसका सन है वो कहीं विदेश बाहर मतलब स्टडी के लिए गया, जब उसको पता चलता है कि फैमिली इज इन द बैड कंडीशन, देन ही रिटर्न्स बैक एंड ही ट्राई टू फाइट अगेंस्ट स्क्वायर थोर्न हिल. तो स्क्वायर थोर्न हिल है वो काफी रिच और पावरफुल पर्सन है, वो जॉर्ज को भी जेल में डाल देता है. नाउ उनको लास्ट में मिस्टर बर्चिल है, ही इज इन रियल विलियम थोर्न हिल, जो स्क्वायर थोर्न हिल है उसका अंकल है मिस्टर बर्चिल, और रियल में ये विलियम थोर्न हिल होता है जो एक वेल्दी पर्सन है.
तो वो सोफिया सोफिया को बीच में एबडक्ट कर लिया जाता है स्क्वायर थोरी हिल के द्वारा ही, उसको अपहरण कर लिया जाता है। तो मिस्टर बर्चिल है वो बचाता है उसको और उसकी पूरी फैमिली को, और लास्ट में ये एक्सपोज होता है कि मिस्टर बर्चिल है वो रियल में विलियम थोरनहिल है, मतलब स्क्वायर थोरनहिल है, उसी फैमिली का बंदा है, बहुत ही वेल्दी है। तो लास्ट में स्क्वायर थोरनहिल है वो भी अपने किए पे काफी उसको रिपेंट होता है कि उसने गलत किया ये सब, और लास्ट में है मिस्टर बर्चिल की मतलब स्क्वायर विलियम थोरनहिल और सोफिया की शादी हो जाती है, और लास्ट में जो ओलिविया है सी इज ऑल्सो रेडी टू गेट मैरिड विद स्क्वायर थोरनहिल, ठीक है। तो लास्ट में इन दोनों की शादी हो जाती है, तो यहीं पे ये जो फिक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है कैसे, एक बार तो करेक्टर को पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, मिस्टर जो डॉक्टर प्राइम रोज है ठीक है, तो वो कौन से मतलब वर्क से बिलोंग करते हैं, एक साइड में वर्क दे रखा था इधर कैरेक्टर, ठीक है। सेकंड है, एक बार क्वेश्चन आया था कि हु इज द विकार ऑन दिस नोवल विद द विकार ऑफ वेकफील्ड, ठीक है। तो डॉक्टर प्राइम रोज है, ही इज द विकार ऑफ वेकफील्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी भी जरूरी है, उसके साथ साथ इसके कैरेक्टर सब टाइटल दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।